ऐतिहासिक कुश्ती दंगल आयोजन को लेकर कामा कस्बे में प्रशासन की बैठक संपन्न हुई। ब्लॉक स्तरीय सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कामा SDM के साथ ही बनवीर लाल शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजन की गई है। बैठक में शांतिपूर्वक कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ है, जिसमें आपको बताते चले कि 15 दिसंबर को कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कल आज कोर्ट में ही कमसेन स्टेडियम की कमेटी की मीटिंग की गई है और सभी को व्यवस्थाई को लेकर अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। कुश्ती दंगल आयोजन को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। बैठक में DSP देवेंद्र सिंह रावत, डी के शर्मा, पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगला, पूर्व पार्षद मोहन सिंगला जैसे सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते खास रिपोर्ट द्वारा दंगल के ये कुश्ती दंगल का आयोजन के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय से परमिशन ली है। न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार जन सहयोग से ये दंगल करवाना चाह रहे हैं। कमेटी को इस बारे में लिखा गया था, कमेटी ने अपनी सब कमेटियां बना करके व्यवस्थाओं के लिए हमें आश्वस्त किया है। उसी क्रम में आज ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पुलिस के डिप्टी साहब को और सभी संबंधित विभागों को बुलाया गया है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी ली गई है और गांव के नागरिक बंधुओं से भी इस बारे में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई है। स्टेडियम का जायजा भी हम लेने जा रहे हैं मौके में, उसकी बैठक क्षमता और आने वाले भीड़ की को ध्यान में रखते हुए सही व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। प्रशासन क्योंकि ये मेला इनके जनसहयोग से हो रहा है, इसलिए सारी व्यवस्थाएँ उन्होंने अपने ऊपर ली हैं। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था सारी संभाली जाएगी, फिर भी शेष रही छोटी मोटी व्यवस्थाएँ जो भी कानून के हिसाब से आवश्यक होंगी वो सब व्यवस्थाएँ हम हमारे स्तर से करवाएंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।